जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब जीरो रिस्क हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अब ये जीरो रिस्क जाहिर है कि किसी गारंटी पे ही होगा? नहीं, जीरो रिस्क हो चुका है, हो चुका है, गारंटी मिल गई है ना, हो चुका है। आप इशारातन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मैनी बात कर रही हैं उधर से भी गारंटी है। अच्छा, वहां से भी गारंटी मिली है, काम तुसी पक्का कीता राणा साहब? वहां से भी गारंटी, बिल्कुल पक्का। अच्छा राणा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी का आप लोग मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, और जब से आपकी हुकूमत पीडीएम की बाय द वे आई है 16 महीनों से हम मुसलसल सुन रहे हैं कि आज आ रहे हैं, अगले महीने आ जाएंगे, 2 महीनों बाद आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए, उनके भाई की हुकूमत ही नहीं आ सके। अब जब वो वापस आएंगे तो अस्पताल जाएंगे, जेल जाएंगे कि जाती उम्रा जाएंगे? इंशाल्लाह ताला वो जाती उम्रा जाएंगे, उनका बड़ा फकीदुल मसाल इस्तकबाल होगा। पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि वो अगले महीने आ रहे हैं या फलां तारीख को आ रहे हैं। अच्छा, कोई गारंटी की उम्मीद है आपको, गारंटी का कोई वेट कर रहा है? क्योंकि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जब जीरो रिस्क हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अब ये जीरो रिस्क जाहिर है कि किसी गारंटी पे ही होगा? नहीं, जीरो रिस्क हो चुका है, हो चुका है, गारंटी मिल गई है ना, हो चुका है, गारंटी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो किसी ने जबान तो दी होगी ना? वो जो देखे, जो नाहली का फैसला है वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो तो लेजिस्लेशन के बाद खत्म हो चुकी है, कानून जो है वो इस वक्त इन फील्ड है, उस कानून को किसी ने ना कल अदम किया है ना उसको किसी ने जो है वो उसका ऊपर अमल रोका है। लेकिन सर, ये जरूरत है कैसे ना, एनआरओ मिला है, कोई डील हुई है, कोई डील हुई है? नहीं, एनआरओ नहीं, देखे ना, उनकी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उनमें बरीयत जो है वो जीरो रिस्क है, वो गारंटी है, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज्जज़ बेंच ने मरियम नवाज साहबा की अपील में किया है, उस फैसले को आप पढ़ लें तो वो गारंटी है, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला, बरी होंगे, सुरखरू होंगे। नहीं राणा साहब, ये जो बरीयत वाली बात की, ये छोटी बात नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि अभी वो आएंगे तो उस पर जाहिर है कि कन्वेक्शन तो है, और वो गारंटी पर गए थे अपने छोटे भाई की, वो के आपने 5 साल के लिए जो अमेंडमेंट की है वो तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी केसेस तो चल रहे हैं कुछ, तो मुझे बताएं कि बरीयत वाली गारंटी आपको मिल चुकी है कि वो आते ही बरी हैं? जी बिल्कुल, वो फैसला जो है वो आप पढ़ लें तो आप खुद उसको पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि ये वाकई गारंटी है, ये उनकी अपीलें जो है वो एक्सेप्ट है। सही, ये नहीं चले, आप लोगों को गारंटी मिल गई, उड़ा के रख दिया उस केस को, ग्रीन सिग्नल मिल गया। साहब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ही आपके उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आज़म? आप इशारातन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मैनी बात कर रही हैं उधर से भी गारंटी है। अच्छा, वहां से भी गारंटी मिली है, काम तुसी पक्का कीता राणा साहब? वहां से भी गारंटी, बिल्कुल पक्का। ठीक है, यहाँ पर तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि फिर जो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल है, गैर जानबदार है, फिर तो ना हो ना राणा साहब? नहीं, ए पॉलिटिकल ही है, उसकी वजह ये है कि एक गलत काम को ठीक करना जो है यही तो ए पॉलिटिकल है। सही है, यानी हमारी है। अच्छा राणा साहब, आप जब इकतदार में आए, पीडीएम यानी इकतदार में आई, तो आप लोगों ने ये तय किया हुआ था कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन में चले जाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग रुक गए, और फिर इतना रुक गए कि 16 महीनों का पूरा टेन्योर करने के बाद आपने फैसला किया जाने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम मई में इलेक्शन में जाने का फैसला कर